हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेटा इंटरप्रटेशन यानी DI के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल बेस्ड क्वेश्चन से, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। साथ में आप लोगों के जो ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं, इन ग्राफ वाले प्रश्नों से भी आप लोगों से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिकों को मिला करके आपसे यूं ही 20 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो ग्राफ के क्वेश्चन और ये जो टेबल के क्वेश्चन हैं, इनको इजी वे में कैसे सॉल्व करें आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग जो है अपने एग्जाम में 20 में से ये 20 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का सेट नंबर 16 है। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के सेटों को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके आप लोग उन सेटों को देखिए, और आप लोगों को देखने पर ये लग जाएगा कि जो भी इसमें बेसिक मैथ अप्लाई होती है वो बेसिक मैथ कौन कौन सी है, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जो हैं आसानी से सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को, और इसमें सीखते हैं कि इसमें बेसिक मैथ क्या है और इसमें जो है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कंडीशन कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर 6 विभिन्न शहर दिए गए हैं और एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में दी गई है। आप लोगों को जैसे कि पता है आजकल जो भी प्रवेश परीक्षा या परीक्षाएं हो रही हैं, ठीक है, उसमें संख्या लाखों में ही रहती है, ठीक है। तो इसमें पास हुआ फेल होने वालों का अनुपात भी दिया गया है, ठीक है। तो नगर ए में जो है कितने उम्मीदवार बैठे हैं, ठीक है, परीक्षा में, तो 1.25 लाख उम्मीदवार बैठे हैं। इसमें से 7:3 जो है ये फेल होने और पास होने वालों का रेशियो है, ठीक है। तो पास अनुपात ये ध्यान रखना है आप लोगों को, पास रेशियो फेल दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों को एकदम ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नगर बी में दिया गया है, नगर सी में दिया गया है, DEF इन सभी नगरों में आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, कि कहाँ पर कितने विद्यार्थी बैठे हैं। और आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर लाख का मतलब क्या होता है, तो लाख का मतलब होता है 10^5, क्या होता है 10^5। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को दिमाग में रखना होगा, कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि जहाँ पर 10^5 हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से पूछा गया है, कह रहा है कि नगर सी से, ठीक है, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या नगर बी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है, किसका, बी नगर का। तो बी नगर में कितने हैं, 3.14 हैं, तो जिसका की बात की जाती है वही बटे में आता है हमारा, तो 3.14 से हम लोगों को किसको बताना है, नगर सी में कितने लोग हैं, तो नगर सी में 1.08 हैं, ठीक है। तो इनका परसेंटेज हम लोगों को बताना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि दशमलव समान स्थान पर है, तो यहाँ से दशमलव को आप लोग हटा सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 108 बटे में 314 गुड़े में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2×2 और फिर हो गया ये 11, 2×5=10 और 2×7=14 और 2 से इसको काटेंगे तो 2×5=10, 2×4=8, ठीक है, तो ये हो गया 54, ठीक है। और 54 का 100 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 5400 और बटे में कितना है, 157। अब 157 से आप लोगों को करना होगा इसमें डिवीज़न, और डिवीज़न करने पर हम लोगों का कितना आता है, 34.39%, ठीक है। तो ये जो है 34.39% ज़्यादा करीब किस ऑप्शन के है, तो ऑप्शन बी के है, तो इसमें हम लोगों का बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखें अगले प्रश्न में क्या पूछा गया हम लोगों से कि नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो नगर ई की बात की गई, नगर ई में कितने लोग हैं, 1.85 लाख लोग हैं, ठीक है, 1.85 लाख लोग हैं, ठीक है, नगर ई में। तो यहाँ पर पास होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, पास होने वालों की संख्या
संख्या बराबर, अब देखिए कुल कितने लोग हैं नगरी में, तो 1.85 लाख लोग हैं, गुणे देखिए टोटल कितना है, टोटल दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल है 5, और आपसे जो ये अनुपात दिया गया है पास रेशियो फेल का दिया गया है, तो पास होने वालों की संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो पास कितने हो रहे हैं, तो यही 3 भाग पास हो रहे हैं 5 में से, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, तो 5 से इसको हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो 0.5 कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 = 18 होता है, तो 35 हो गया और 5 × 7 = 35, 5 से हम लोगों ने कैंसिल आउट किया है, तो यहाँ पर हम लोगों का 3 आएगा, ठीक है, 5 × 3 = 15, ठीक है, और फिर उसके बाद 5 × 7 = 35, तो हम लोगों को ये कितना आ गया 0.37, और गुणे में कितना है 3 है, ठीक है, तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर 3 × 7 = 21 के 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है हासिल 2 × 3 = 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, और 2 अंक बाद दशमलव भी लग जाएगा, और देखिए ध्यान रखना है आप लोगों को क्या इसमें, कि अभी हम आप लोगों उसके बताए थे कि लाख का मतलब क्या 10 की पावर 5, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब 10^5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो दशमलव हटाने में चला जाएगा, 3 जीरो केवल बढ़ेगा, तो 111, फिर उसके बाद 3 जीरो, इतने लोग हैं जो कि पास हुए हैं नगर ई से, तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा गया, इसमें कह रहा है कि नगर डी से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है, और नगर ए में परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात हमसे पूछा है, तो यानी डी रेशियो ए पूछा हमसे, और किसका रेशियो पूछा, फेल का रेशियो पूछा है, ठीक है, पास का रेशियो पूछना चाहिए था, चलो ठीक है, फेल का रेशियो पूछा, तो यहाँ पर डी दिया गया है, तो डी में कुल कितने लोग हैं, तो 2.27 लाख लोग हैं, ठीक है, 2.27 लाख लोग हैं, और गुड़े फेल कितने होंगे, देखिए ये पी रेशियो एफ यानी पास रेशियो फेल का दिया गया है, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और उसमें से फेल कितने हुए हैं, 3 फेल हुए हैं, तो 3/4, फिर अनुपातें, ठीक है, कितना यहाँ पर ए नगर की बात करी गई, तो ए नगर कितना है 1.25 है, और यहाँ पर कितने फेल हुए हैं, टोटल है 10, उसमें से 3 फेल हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसी का मान हम लोगों को अब ज्ञात कर लेना है, ठीक है, तो देखिए इसमें जो चीज़ें समान होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से कैंसिल आउट, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 5 × 10, ठीक है, 5 × 10 ये 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 12 हो गया, 5 × 5 = 25, तो 0.25 आ जाएगा, और 2 से इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, 1.2 × 1 = 2, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 2 × 3 = 6, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का फाइनली बचा कितना 1.13 अनुपाते, यहाँ पर कितना 0.25, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव समान स्थान पर है तो दशमलव को हटा देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 113.25 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को बढ़ा दीजिए, तो दोनों वैल्यूज़ को 2 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा, 226, देखिए यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कट नहीं रही थी, तो ये लगभग जो है कितने 227 के आसपास ही आता, ठीक है, कितने के 227 के आसपास ही आता, तो इसको हम लोग 227 मान लेंगे और अनुपात 50 कर देंगे, तो इसमें से जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहा है कि नगर एफ से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है, तो नगर एफ से कितने लोग पास हो रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी शहरों से मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, तो F से पास होने वालों की संख्या कितनी है, हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, F से पास होने वालों की संख्या, होने वालों की संख्या बराबर, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, F से कितने हैं 2.73 हैं, और कितने लोग इसमें पास हो रहे हैं, तो देखिए पास रेशियो फेल दिया गया है,
ठीक है, तो 7 लोग पास हो रहे हैं, कितने में से, 12 में से, ठीक है, तो ये पास होने वालों की संख्या हो गई। और फिर उसके बाद जो है कुल नगर की जनसंख्या कितनी है, ए से लेकर के अब तक इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो टोटल में देख रहे हैं, देखिए 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 5, 29 और 29 और 3, 32 और 32 के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हासिल 3 बचा है, और फिर उसके बाद जो है 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5 और 8, 13 और 13 और 7, 20 और 20 और 3 हासिल बचा था तो 23, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 1, 3, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8, 2, 10 और हमारे पास 2 हासिल बचा था तो 12 और 2 अंक बाद दशमलव है तो बीच में दशमलव भी लग जाएगा, तो टोटल इतना हो गया। अब इनका जो है इनसे हम लोगों को परसेंटेज बताना है, तो प्रतिशत बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.73 × 7 बटे में 12, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 12.32 और गुणे में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर पहले हम लोग देख रहे हैं दशमलव समान स्थान पर है, तो पहले दशमलव को हटा देते हैं और 12 से इसको कैंसिल आउट करें तो 12 × 24 तो 0.0 कितना हो जाएगा, ये 12 × 24 और 3 × 27 तो ये हो गया 33। फिर उसके बाद 12 × 24, ठीक है, 12 × 24 6, 30 और फिर उसके बाद 9 बचा, 90 हो गया। फिर उसके बाद जो है 12 × 7, 84 इतना हम लोगों का बचा, तो जो बचा है इसको नोट कर लेते हैं, 0.227 × 7 में कितना है यहाँ पर 1232, ठीक है, दशमलव तो हट गया है, दशमलव को हटा दिया गया था और गुणे में 100, ठीक है। और इन सभी का आपस में गुणा अगर हम लोग कर लें तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो 7 × 49 = 9, 7 × 49 = 9 और फिर उसके बाद जो है 7 × 2 = 14 और 14 और 5 कितना होगा, 19 × 9, ठीक है, 7 × 2 = 14, 4 = 18 हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है 7 × 2 = 14 और 1 = 15 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 1232 × 100, ठीक है। और इसको हम लोग जो है डिवाइड अगर करें, ठीक है, 1232 से 1289 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पर लिख रहे हैं इसको, तो डिवाइड करने पर ये आता है 0.12, ठीक है, 0.12 और गुणे में कितना है 100, दो अंक तक ही केवल ले गए हैं, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 12%। तो 12% के आसपास हमारे कौन सा मान है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए में जो है 12% दिया गया है, तो इसमें जो है हम लोगों का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोगों को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एक दो अंक तक और भी ले जाते तो हमारा ये अंक आता, लेकिन जो है यहाँ पर इसी से हम लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है, कि इतने से ही सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों का सर्वाधिक संख्या किस नगर की है, ठीक है, किस नगर की है हम लोगों को ये बताना है, फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे, तो एफ में कितने लोग हैं, तो 2.73 लोग हैं और फेल होने वालों की संख्या बतानी है, तो ये फेल होने वालों की संख्या है 5, कितने में से, 12 में से, ठीक है। और इनकी संख्या जब हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था 12 से अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करें तो देखिए 12 × 24, ठीक है, 12 × 24 और 3 × 27 हो गया तो 33 हो गया और फिर उसके बाद जो है 12 × 24 और फिर उसके बाद 9 बचा, 90 हो गया, 12 × 7, 84 इसी तरह से और भी ये आता रहेगा, तो 0.227 × 5 हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 7 = 35 के 5 हासिल 3, 5 × 10 और 3 = 13 के 3, ठीक है, हासिल 1, 5 × 10 और 1 = 11 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों का 1.135 आ जाएगा, ठीक है, 1.135 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है अब हम लोग सी की ज्ञात करते हैं, तो सी में कितने लोग हैं, 1.08 हैं और फेल होने वालों की संख्या इसमें कितनी है, 5 है और कितने में से, 9 में से, ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल आउट करें तो देखिए 12 × 9 = 108 होता है, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा 0.12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे 0.12 × 5 का तो ये आ जाएगा 12 × 5 = 60 यानी 0.6 आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम लोग ज्ञात करते हैं किसका,
बी का, तो बी में कितने लोग हैं, तो बी में 3.14 हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर फेल कितने हुए हैं, तो 3 फेल हुए हैं, और कितने में से, 8 में से, ठीक है। और 8 से इसको हम लोग कैंसिल आउट अगर करें तो कितना हो जाएगा, 0. देखिए 8 × 3 = 24, ठीक है, 8 × 3 = 24, ठीक है, और 24 × 6 = 30, यानी 7 बचा हुआ है, तो इसके पास गया तो 74 हो गया, ठीक है। अब 8 × 9 = 72, ठीक है, 8 × 9 = 72, 2 × 74 = 20 हो गया, फिर उसके बाद 8 × 2 = 16, ठीक है, कितना आ गया, 0.392 × 3, और 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 × 2 हो जाएगा 6, और 3 × 9 = 27 के साथ, ठीक है, 2 बचा, और 3 × 3 = 9, 2 = 11, ठीक है, 11 हो जाएगा, तो 1.176 आ जाएगा। अब फिर इसके बाद डी नगर की ज्ञात करनी है हम लोगों को, यहाँ पर कितने लोग फेल हुए हैं, तो यहाँ पर डी नगर में कितने लोग हैं, 2.27 लोग हैं, और फिर उसके बाद फेल कितने हुए हैं, यहाँ पर 3 लोग फेल हुए हैं, और कितने में से, 4 में से फेल हुए हैं, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से, तो 0.45 × 20, ठीक है, 4 × 5 = 20, 22 हो है, तो 27 हो गया, फिर यहाँ पर 4 × 6 = 24, ठीक है, 3 × 27 = 30 हो गया, फिर उसके बाद 4 × 7 = 28, तो कितना हो गया, 0.5673 × 3, और 3 का इसमें जब हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21, ठीक है, हासिल 2 × 3 = 18, ठीक है, 18 × 2 = 20, और फिर हासिल 2 × 3 = 15, और 2 कितना होता है, 17 होता है, तो 1.701 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ही बताइए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस नगर की है, जिन लोग फेल हुए हैं, तो इसमें सबसे अधिक मान कौन सा आया है, तो इसमें सबसे बड़ा मान जो दिख रहा है आप लोगों को वो 1.7 दिख रहा है, यहाँ पर 1.1 है, यहाँ 0.6 है, यहाँ पर भी 1.1 है, तो 1.7 वाला ये मान हमारा सबसे बड़ा आ रहा है, जो कि डी नगर की है, और ये डी ऑप्शन में दिया गया है, तो हम लोगों का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोगों को दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि इस तालिका को ध्यान से देखिए, और फिर उसके बाद जो है इसमें कुछ लोगों की जनसंख्या दी गई है, यानी कुछ उत्पाद हैं जिनका चयन करने वालों की संख्या यहाँ पर कुल दी गई है, और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ए प्रकार का जो प्रोडक्ट है इसको 35% लोग पसंद करते हैं, 25% महिलाएं इसको पसंद करती हैं, और 40% बच्चे इसको पसंद करते हैं। और बी प्रकार का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको 25% केवल पुरुष पसंद करते हैं, 35% महिलाएं, और 40% बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो इस प्रकार का जो है हम लोगों को ये कुछ प्रोडक्ट दिया गया है, और इनको पसंद करने वालों की कुल संख्या दी गई है, और परसेंटेज में ये वैल्यूज सब दी गई हैं कि कौन किसको कितना परसेंट लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और इसी के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया हम लोगों को। इसमें प्रश्न दिया गया है उत्पाद ई का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर उत्पाद ई यहाँ पर दिया गया है कितना, 36,230, ठीक है, 36,230 लोग कुल मिला करके हैं जो इसको पसंद करते हैं, लेकिन उसमें से 70% बच्चे क्या हैं, 70% बच्चे ही इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तो 70 / कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कितना बचा हमारा, 3623, और इसमें गुणा कर दीजिए 7 का, तो जब हम लोग 7 का गुणा करेंगे तो देखिए 7 × 3 = 21, हासिल 2 × 7 = 14, और 2 × 16 हासिल 1, फिर 7 × 6 = 42, 1 = 43 हासिल 4, और 7 × 3 = 21, और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को सभी महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी, ठीक है, सभी महिलाओं की संख्या। अब प्रोडक्ट ए को 25% महिलाएं, प्रोडक्ट बी को 35%, सी को 55%, डी को 50%, और इसको 20%, और एफ को जो है 40% महिलाएं पसंद करती हैं। तो सबसे पहले इनकी संख्या हम लोगों को पता करनी होगी, ठीक है, तो संख्या पता करने के लिए क्या करें, कितना है, 46,280, और इसको 25% महिलाएं पसंद कर रही हैं, तो 25% का मतलब कितना हो गया, 25/100, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है कितना, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग
यहाँ पर 45,540 है, कितना है 45,540 है, और इसको जो है 35% महिलाएं पसंद कर रही हैं, तो 35/100 हो जाएगा। प्लस 32,240 है, कितना है 32,240 है, और इसको जो है 55% महिलाएं पसंद कर रही हैं, तो 55/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 60,430 है, 60,430, और इसको जो है 50% महिलाएं पसंद कर रही हैं, तो 50/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्लस 36,230, ठीक है, कितना है 36,230, और इसको जो है 20% महिलाएं पसंद करती हैं, तो 20/100 हो जाएगा। प्लस 53,990, और इसको 40% महिलाएं पसंद करती हैं, तो 40/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी की संख्या हम लोगों को यहां से ज्ञात करनी है। तो क्या अगर देखिए 25×25=100, 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 5×7=35, 5×2=10, और 2 से इसको कैंसिल आउट करिए, तो 2×2=4। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 2×1=2, यहाँ पर 5 है, 2×2=4, ठीक है, 2×2=4, और 2×7=14, 2×7=14। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 से इसको कैंसिल आउट 11, और इसको करिए 2, फिर 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2×1=2, 2×6=12, फिर 2×1=2, 2×2=4। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 0 से 1 0, इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ पर भी इस 0 से ये 0, इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट, यहाँ पर भी इस 0 से इस 0, इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए पहले, तो 4 से जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4×4, 4×4, 2×6, 4×5=20, और फिर उसके बाद 4×7=28। अब जो जो वैल्यूज़ बची हुई हैं, इन सभी लोगों को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर हम ऊपर नीचे करके लिख रहे हैं ताकि हम लोगों के लिए जोड़ना भी आसान रहे। तो यहाँ पर 11,570, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा करके 7 का, तो ये हो जाएगा हमारा 15,939 हमने क्या किया है, इसका ऐसे में गुणा कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद 17,732 इसका जो है इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17,732 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 30,215 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी इसका 2 गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7,246 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,596 हो जाएगा, और इन सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ने पर हमारा कितना आता है, तो ये हमारा आता है 1,04,298। ठीक है, 1,04,298 आता है, और इनका बताना है हमको औसत। ठीक है, अभी क्या बताना है, औसत बताना है, तो क्या करेंगे, इतने जो हमारा जोड़ने पर आया है, इन सभी में कितने से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल कितने प्रोडक्ट थे हमारे, तो कुल मिलाकर के 6 प्रोडक्ट हैं, तो 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 6 से जब डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर 6 से जब डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करने पर 17,383 आ जाएगा। ठीक है, 17,383 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें हम लोगों को कह रहा है कि उत्पाद ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का उत्पाद डी का चयन करने वाली कुल महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, तो उत्पाद ए का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या अभी हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया था कि 25% महिलाएं जो हैं इसको ज्ञात कर रही हैं, तो कितना आया था 11,570 आया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है डी प्रोडक्ट को जो चयन करने वाली महिलाएं थी 50% हैं, तो इसका मान कितना आया था हम लोगों का, तो इसी का सीधा आप आधा कर दीजिए। ठीक है, इसी का आधा कर दीजिए, तो 60,430 है, तो कितना हो जाएगा ये 60,000 के बजाय 30,215 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 30,215, और इन्हीं दोनों का हम लोगों को अनुपात बताना है कि अनुपात कितना आएगा। तो इनको हम क्या करते हैं, पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 5×2=10, 1×11, 5×3=15, फिर उसके बाद जो है 5×1=5, और
जो है 5 × 20, ठीक है, तो 2314 हो गया, 5 से इसको जब हम करेंगे तो 5 × 36, फिर यहाँ पर बढ़ेगा 0, फिर उसके बाद जो है 5 × 20, फिर 5 × 3 = 15, तो कितना आ रहा है 2314 × 6043। तो इसमें ऑप्शन सी में ये हमारा मान दिया गया है, तो सी ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों का संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या, उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, इसमें हम लोगों को ये बताना है। तो सी को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो सी में हैं टोटल कितने, तो 32,240 टोटल हैं, और जिसमें से 20% बच्चे जो है इसको पसंद करते हैं, तो 20/100, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 ही हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, और यहाँ पर जो है हमारा 20 है तो 2 बचा हुआ है, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3224 है, 3224 का 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3224 का 2 गुना तो 6448 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डी उत्पाद को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो डी में संख्या कितनी है, तो 60,430 है, और परसेंटेज कितना है, तो देख रहे हैं 30% है, कितना है 30% है, तो 30/100, ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद 6043 का 3 गुना कर दीजिए, तो 6043 का 3 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 6000 का 3 गुना 18000 हो जाएगा, और 43 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, ठीक है, कितना हो जाएगा 216, तो ये हमारा 18216 हो जाएगा, ठीक है, 18216, और फिर उसके बाद जो है यही इसी का परसेंटेज हम लोगों को इसी से बता देना है कि इसका ये कितना परसेंट है, ठीक है, तो परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 6448 बटे में कितना 18216 × 100, ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम लोग जो है 18216 से 6448 में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर ये आता है 0.35, ठीक है, तो 0.35 का गुणा जब हम लोग 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35% लगभग आ जाएगा, तो इसमें 35% के आसपास कौन सा मान दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि उत्पाद यफ का चयन करने वाले पुरुषों की संख्या सभी उत्पादों का चयन करने वाले वालों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो यफ का चयन करने वाले पुरुषों की संख्या पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, कितने मेल इसको पसंद कर रहे हैं, तो कितना है 53,990 है, और कितना परसेंट है, तो 40% इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इस जीरो से ये जीरो भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 990 है ना, तो ये कट जाएगा, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 21,596, ठीक है, 4 का इसी में गुणा कर दीजिए, तो 21,596 है, और फिर उसके बाद जो है सभी उत्पादों का चयन करने वालों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर अब क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ दिए गए हैं इन सभी को तो लोग पसंद कर रहे हैं, यही लोग तो हैं सब पसंद करने वाले, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए पहले बार में तो सभी में सब 0 है, लास्ट में तो 0 आ जाएगा, फिर देखिए 8 4 12 4 16 और 16 3 19 3 22 और 22 9 कितना होता है 31, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 2 5 7 2 9 9 4 13 13 2 15 और 15 और 9 कितना होता है 9 5 14 24, ठीक है, और जो हमारा हासिल बचा था उसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है, और फिर उसके बाद 6 5 11 और 11 3 11 2 13 और 13 6 19 और 19 3 22 और 22 में उसके बाद जो हमारा हासिल बचा था, ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 24 क्या आ जाएगा 4, फिर उसके बाद जो है 4 4 8 3 11 6 17 17 3 20 5 25, और फिर उसके बाद जो है 3 हासिल जो हमारा बचा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, तो टोटल यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुका है ये हमारा क्या आया है, टोटल आया है, ठीक है, और इन्हीं का परसेंटेज हम लोगों को बताना है, ठीक है, कि इसका जो है 21,596 कितना परसेंट है, तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 21,596 बटे में कितना, बटे में हमारा हो जाएगा 274,000
710 और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे इसमें आप लोग डायरेक्टली भाग दीजिए, तो डायरेक्टली भाग देने पर आप लोगों का आएगा कितना 0.078, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग, अगर 0.078 में 100 का गुणा कर दीजिए तो 100 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा 7.8%, कितना हो जाएगा, देखिए 0.2 अंक इस तरफ चलाएगा तो 7.8% हो जाएगा, तो जो कि लगभग 8% के बराबर है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको मिल जाता है, और कैलकुलेशन कौन सा, वही बेसिक सा मैथ वाला कि परसेंटेज आप लोग कैसे ज्ञात करें, ठीक है, यही आप लोगों को इसमें बार बार मिलता है। अभी हम लोग जो है और भी प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से ढेरों सारे वीडियोज़ और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।